देखिए आप। तो दोस्तों यहाँ पे बिफोर एंड आफ्टर आप लोग देख सकते हैं कि स्टेनलेस स्टील फिल्टर में कितना डस्ट पार्टिकल यहाँ पे जमा हुआ है। QR कोड को स्कैन करके आपको वारंटी रजिस्टर करना है। कृपया आप मेरी हिंदी के लिए मुझे माफ कीजिए क्योंकि मेरा हिंदी थोड़ा इधर उधर हो सकता है, क्योंकि मेरा जो मातृभाषा है वो है बंगाली। फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों को हिंदी में बता पाऊँ। दोस्तों नुक ब्रांड की तरफ से मुझे भेजा गया है ये पोर्टेबल वैक्यूम क्लीनर, जिसे मुझे कुछ दिनों तक यूज करना था और उसके बाद अपना ट्रू रिव्यू आप लोगों के साथ शेयर करना था। तो दोस्तों ऐसा कोई बात नहीं है कि कोई भी प्रोडक्ट आया उसे मैंने उठाया वीडियो बना के आपके सामने पेश किया। दोस्तों जब तक मैं खुद सेटिस्फाइड नहीं होता हूँ तब तक मैं उस प्रोडक्ट की वीडियो नहीं बनाता हूँ। दोस्तों मैं खुद एक सेलर हूँ और मुझे पता है कि कौन सा चीज, मतलब होम एंड किचन अप्लायंसेस में कौन सा चीज अच्छा है, कौन सा चीज का ड्यूरेबिलिटी ज्यादा है, उसी के ऊपर डिपेंड करके मैं कुछ कुछ प्रोडक्ट सिलेक्ट करता हूँ और आप लोगों के साथ वही वीडियो शेयर करता हूँ। तो दोस्तों ऑलमोस्ट 10 दिन इस प्रोडक्ट को यूज करने के बाद अपना खुद का ट्रू रिव्यू मैं आज इसी वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, चैनल में अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, उसके साथ जो बेल आइकन है आप उसे भी थोड़ा प्रेस कर लेना, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए ऐसा ही होम एंड किचन रिलेटेड बहुत सारी आइटम का रिव्यू वीडियो बनाता रहता हूँ। तो दोस्तों इसे आप लोग पोर्टेबल वैक्यूम क्लीनर बोल सकते हैं, कार वैक्यूम क्लीनर बोल सकते हैं, कॉम्पैक्ट वैक्यूम क्लीनर बोल सकते हैं, जो मर्जी आप बोल सकते हैं। दोस्तों पहले जब ये प्रोडक्ट मुझे रिसीव हुआ था, मैंने फर्स्ट टाइम इसको ऑन किया था तो मुझे लग रहा था कि इसमें थोड़ा पावर कम है। आफ्टर 10 डेज इसको यूज करने के बाद मेरा गलतफहमी एकदम से दूर हो चुका है। दोस्तों वैसे तो मैं अनबॉक्सिंग अपनी वीडियो में दिखाता नहीं हूं, डायरेक्ट बॉक्स कंटेंट और रिव्यू में चला जाता हूं, लेकिन आज इस प्रोडक्ट की अनबॉक्सिंग मैं आप लोगों को शेयर करूंगा क्योंकि इसका जो पैकेजिंग है वो बहुत ही प्रीमियम यहाँ पे किया गया था। दोस्तों बॉक्स कंटेंट में वैक्यूम क्लीनर, अटैचमेंट में स्लिम रिच क्लीन स्वेप, एरो कनेक्ट, एरो स्लिम, एरो शॉर्ट, एरो लॉन्ग, फ्लेक्स कनेक्ट, USB-C केबल और एक पाउच। तो दोस्तों ये है प्रोडक्ट की बॉक्स। बॉक्स के ऊपर यहाँ पे MRP रखा गया है 5699, जो ऑनलाइन से आप लोग 2999 में इजीली बाय कर सकते हैं। प्रोडक्ट का परचेस लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में देके रखा है, अगर आप लोग चाहो तो वहाँ से प्राइस चेक कर सकते हैं और अगर चाहो आप लोग वहाँ से बाय भी कर सकते हैं। तो दोस्तों ये है मेन यूनिट वैक्यूम क्लीनर, बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी यहाँ पे यूज किया गया है। ऊपर में एक फेदर टच जैसा यहाँ पे महसूस हो रहा है मुझे, यहाँ पे एक कैप दिया गया है जिसको आप कुछ इस तरीके से खोल सकते हो। दोस्तों इस प्रोडक्ट का वजन है 510 ग्राम, आप समझ पा रहे हो 510 ग्राम का वैक्यूम क्लीनर, जिससे आप अपना हर एक काम बहुत ही इजीली कर सकते हो। दोस्तों इसका साइज देखो, आप लोग इसको कहीं भी कभी भी अपने बैकपैक में पैक करके इसको कैरी करके लेके जा सकते हो। यहाँ पे ऊपर में एक बटन दिया गया है, इसको प्रेस करके इसको ऑन करना है, ठीक है। एक बार प्रेस करने से ये नॉर्मल मोड में चलेगा, डबल प्रेस करने से ये टर्बो इसका ऑन हो जाएगा। और थर्ड टाइम प्रेस करने से ये बंद हो जाएगा।
ये है इसका अंदर का मोटर। दोस्तों इस प्रोडक्ट में जो मोटर दिया गया है उसका सक्शन कैपेसिटी है 11 किलो पास्कल, समझ सकते हो आप। और इसका जो आरपीएम है वो है 68,500, मतलब एक मिनट में 68,500 बार ये घूम सकता है। इस प्रोडक्ट में 4,400 mAh की बैटरी इनबिल्ट किया गया है, जिसको आप लोग सिंगल चार्ज में 20 मिनट तक नॉन स्टॉप यूज कर सकते हो। चार्जिंग पोर्ट पीछे यहाँ पे दिया गया है सी टाइप पोर्ट में, जो आपके घर में चार्जर है उससे इजीली चार्ज हो जाएगा। दोस्तों सामने वाले हेड को मैंने यूज करके क्लीन भी नहीं किया है, आप देख सकते हैं। इसके अंदर पे ये रहा इसका प्राइमरी फिल्टर जो स्टेनलेस स्टील का है, और ये है उसका सेकेंडरी फिल्टर जिसे हेफा फिल्टर कहा जाता है। एक्चुअली ये कागज का रहता है, सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए मैंने इसको ऐसे रखा था। दोस्तों वैक्यूम क्लीनर की हेड को निकालने के लिए इसको थोड़ा इस तरह से रोटेट करना है, ये इजीली खुल जाएगा। और बंद करने के लिए इसको आप ऐसे पुश करके इसको घुमा दीजिए, ये इजीली लॉक हो जाएगा। तो दोस्तों अभी इस प्रोडक्ट को आप लोगों को टेस्ट करके दिखाता हूँ। यहाँ पे है छोले, देखिए कितना इजीली ये हर एक छोले को एकदम अंदर पे सक कर लिया है। और दोस्तों अभी आप लोग इसका जो ब्लोअर है उसका पावर भी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। यहाँ पे ब्लोअर को ऑन करने के लिए ये अटैचमेंट, इसको फिट करके इसको मैं, मतलब ब्लो पीछे से होगा, आप समझ पा रहे हो। बाय द वे ये जो छोला है यहाँ पे मैं इसको खाने वाला हूँ, मतलब इसको मैं फेंकूंगा नहीं, आप लोगों को दिखाने के लिए इसको यूज किया था। यहाँ पे दोस्तों रिमोट का वजन है 93 ग्राम। दोस्तों साउंड बार के सामने वाला हिस्सा देखिए कितना गंदा हो चुका है, जिसको मैं क्लीन करने के बाद आप बिफोर एंड आफ्टर की रिजल्ट देख सकते हैं। साउंड बार के पीछे वाला हिस्सा है कितना गंदा हुआ है। तो यहाँ पे ये जो ब्रश अटैचमेंट है इसको लगा के मैं इसको करता हूँ ऑन। मैं आपके सामने एकदम लाइव दिखा रहा हूँ, जिससे आपको पता चले कि जो जैसा है वैसा है, ठीक है। अभी मैंने टर्बो को ऑन किया है, अभी यहाँ पे थोड़ा ये जो एरो लॉन्ग है इसको फिट करके इसमें थोड़ा ब्लो करता हूँ, क्योंकि कभी कभी ब्लो करना भी जरूरी है, ठीक है। पीछे करता हूँ फिट, दोस्तों क्लीन तो हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पे बिफोर एंड आफ्टर आप लोग देख सकते हैं कि वाकई में सच में ये चीज क्लीन हुआ है। दोस्तों अगर आप लोग चाहो तो इससे गुब्बारा भी इजीली फुला सकते हो। किसी भी चीज को पाउच में आप लोग वैक्यूम सील भी कर सकते हो। हेफा फिल्टर अगर खराब हो जाए तो आप लोग हेफा फिल्टर एक्स्ट्रा बाय भी कर सकते हो नुक ब्रांड की ऑफिशियल वेबसाइट से। दोस्तों फिल्टर की अगर बात करें, फिल्टर देखिए यहाँ पे खोलने के बाद स्टेनलेस स्टील फिल्टर में कितना डस्ट पार्टिकल यहाँ पे जमा हुआ है, यह है अंदर का हेफा फिल्टर। यहाँ पे अलग अलग अटैचमेंट को फिट करके आप लोग इजीली कोई भी आइटम क्लीन कर सकते हो। दोस्तों इस प्रोडक्ट में आप लोगों को 1 ईयर की वारंटी दिया गया है। QR कोड को स्कैन करके आपको वारंटी रजिस्टर करना है। तो दोस्तों ओवरऑल प्रोडक्ट कैसा है आप लोग मुझे प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। प्लीज आप लोग कमेंट करके बताइए कि कैसा इसका परफॉर्मेंस आप लोगों को लगा। दोस्तों इस प्रोडक्ट के बारे में कोई भी क्वेश्चन अगर आप लोगों के मन में रहा तो आप लोग कर सकते हो क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में, मैं कोशिश करूंगा आप लोगों को सही आंसर देने के लिए। ये वीडियो अगर आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगा तो आप लोग प्लीज एक लाइक कर देना। प्रोडक्ट का परचेस लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने दे के रखा है। तो दोस्तों अभी के लिए फिलहाल इतना ही, फिर मिलेंगे एक नया होम एंड किचन रिलेटेड वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।